हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। सो ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर होने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें पढ़ेंगे केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज दो टॉपिक पढ़ना है हम। सो स्टार्ट करते हैं केपलर फर्स्ट लॉ से। केपलर फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं हम पढ़ेंगे एलिप्स के बारे में। तो एलिप्स क्या है? एक कर्व है जो कब बनेगा, जब एक कोन को हम लोग इंक्लाइन प्लेन कट करेंगे, इंक्लाइन में थोड़ा कट करेंगे कुछ तरह। देखो, ये आपका कोन है मान लो, ठीक है। अब इस कोन को अगर मैं इस तरह कट करूं, टेढ़ा कट करूं, ठीक है, तो टेढ़ा कट करेंगे तो यहां पर एक कर्व दिखाई देगा। अभी कर्व देख रहे हो कैसा है, थोड़ा सा कर्व कैसा है, थोड़ा चपटा दिख रहा है कर्व, ये सर्कल नहीं। अगर मैं इसको इस तरह से कट करता ना तो एक सर्कल मिलता मुझे, ठीक है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारता तो कैसा दिखता है, आपका सर्कल बनता। बट यहां पर हमने इसको कैसे कट किया है, टेढ़ा कट किया है, तो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, ठीक है। अब एलिप्स के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आप सर्कल पढ़ते हो तो सर्कल में आपने क्या क्या पढ़ा होगा, सेंटर पढ़ा है, रेडियस है, डायमीटर है, कॉर्ड है, ये सारी चीजें सर्कल के अंदर आपने देखा है। उसी तरह एलिप्स के अंदर भी कुछ चीजें देखेंगे हम। तो एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, एफ वन एंड एफ टू। ये फोकस की खासियत आगे बताता हूं मैं। हाँ, सेंटर एक हम लोग बोल सकते हैं सी होता है यहाँ पर। ये ए जो है उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। देखो, ए का डिस्टेंस बड़ा है और बी का डिस्टेंस छोटा है। यहां से लेकर यहां तक मेजर एक्सिस होता है तो आधे को सेमी मेजर बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक माइनर एक्सिस होता है तो आधे को सेमी माइनर बोलते हैं हम लोग। इसे देखो, हर एक ज्योमेट्री में हर एक चीज का इक्वेशन होता है, हर एक शेप का एक इक्वेशन होता है। जैसे यहां पर अभी लाइन वन डायमेंशन शेप है आपका, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो। सर्कल टू डायमेंशन फिगर है, उसका क्या होता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एलिप्स भी वैसे ही कुछ है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। इसके अंदर एक टॉपिक रहता है इसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये इसेंट्रिसिटी को मतलब क्या होता है, फ्लैटनेस बताता है। ये e की वैल्यू जितनी बड़ी रहेगी आपका फ्लैट उतना, आपका कर्व उतना चपटा बनेगा। जैसे ये कर्व देखो चपटा नहीं है, बट जितना ये होते जाएगा ना, e की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना जो आपका कर्व कैसा बनेगा, चपटा बनेगा। बस e वही काम करता है। अब देखो, हमारा जो सर्कल है, सर्कल की इसेंट्रिसिटी जीरो होती है, इसलिए आपको प्रॉपरली दिखाई देता है। इसका मतलब देखो, सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। एलिप्स के अंदर देखो वो चीज फॉलो नहीं होती है, जिसके बॉर्डर पे जितने भी पॉइंट, सबका डिस्टेंस एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, अनलाइक सर्कल, ठीक है। अब आते हैं इसकी ये फोकस की खासियत क्या है। अब यहां पर देखो दो पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तीन पॉइंट मैंने कंसिडर किए। तो ए से एफ वन, ए से एफ टू दोनों को ऐड कर देते, ठीक है। नेक्स्ट बी से एफ वन, बी से एफ टू इनको ऐड कर देते, सी टू एफ वन, सी टू एफ टू इनको ऐड कर देते हैं। जब तीनों को, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं ना और देख रहे सबका जो इक्वल मतलब एडिशन है वो क्या आ रहा है, कितने से इक्वल आ रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ए एफ वन ए एफ टू वो इक्वल रहेगा बी एफ वन प्लस बी एफ टू से, ये इक्वल रहेगा सी एफ वन प्लस सी एफ टू से। ये खासियत है एलिप्स की। इसको अगर इमेजिन करने बोलो ना, मान लो आप एफ वन पे खड़े हो लाइट लेकर, सपोज से एफ वन पे क्या खड़े हो लाइट लेकर, अपने लाइट के मामले मिरर जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने यहां पर लाइट मारी तो टकरा के इधर जाएगी, बी पे लाइट मारे टकरा के इधर आएगी, सी पे लाइट मारे टकरा के इधर आएगी, और सेम टाइम पे पहुंचेंगे। मान लो जिस चीज की स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी सेम है, तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ये फोकस की खासियत है, इसलिए हम लोग फोकस के बारे में यहां पर पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हमारे फर्स्ट लॉ पे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब आपने बचपन से पढ़ा है कि जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट का, जिसके अंदर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो सर्कुलर है। बट यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ये तो एलिप्स है, ठीक है। मतलब बचपन से गलत पढ़ाया जा रहा था, तो ऐसा नहीं है। बचपन में आपको सिर्फ चीजें सिंपल रखना होता है और सर्कल आपको पता ही होता है क्या होता है, बचपन से वो शेप देख रहे हो, ठीक है। इसके लिए अब यहां पर बड़े हो गए तो अभी थोड़ा सा टफ लेवल पे आते हैं। तो ऑर्बिट जो है प्लैनेट का वो कैसा है, एलिप्स होगा और सन सेंटर में नहीं रहेगा, किसी एक फोकाई पे प्रेजेंट रहेगा, या तो यहां पर प्रेजेंट रहेगा या तो यहां पर प्रेजेंट। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसको एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, केपलर ने अगर अपने तीन जो तीनों लॉ लिखे थे उसका उसके पास कोई भी ऐसा फिजिकल प्रूफ नहीं था कि ऐसा होता क्यों है। अब यहां पर प्लैनेट के जो ऑर्बिट है एलिप्स है, बट क्यों है वो उसको रीजन नहीं पता, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहां पर एक और चीज है, ये आपका मान लो अर्थ है यहां पर, ये सन फोकाई पे प्रेजेंट है,
कभी कभी अर्थ सन से पास रहता है, कभी कभी दूर रहता है। जब पास रहेगा तो पेरिजी बोलते हैं इस पॉइंट को, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे पेरिहेलियन डिस्टेंस, पास पास, पी मतलब पास। अब जब दूर रहेगा अवे, एपोजी पॉइंट बोलते हैं इसको हम लोग, इसका नाम बोलते हैं एपिहेलियन डिस्टेंस। ठीक है, बस आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया तक आपको? तो यहाँ एक चीज और, अब ये एलिप्स पढ़ रहे यार ऐसे कैसे रट ले, इस सारे का जो प्रूफ है वो न्यूटन ने दिया था। जब हम लोग न्यूटन लॉ पढ़ेंगे ना, तब कैपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना वो सारी सॉर्ट आउट करेंगे। ओके ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, कैपलर सेकंड लॉ। अब कैपलर सेकंड लॉ क्या बोलते हैं देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, अब ये लाइन क्या कर रही है, सन को प्लैनेट से ज्वाइन कर रही है, स्वीप्स इक्वल एरियाज, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप मतलब पोछा लगाना, घरे पोछा लगाते हो, जब खड़े हो यहाँ पर या बैठे हो, पोछा लगा तो क्या कुछ एरिया कवर करोगे ना, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। जैसे अगर यहाँ पर मैं इसको रफ ही करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, कुछ एरिया कवर करूंगा, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। ये जो लाइन है जो ज्वाइन कर रही है सन को प्लैनेट से, तो क्या करती है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब देखो क्या है, जैसे मान लो अब ये लाइन है ए पर, अब ए से टूवर्ड्स कहां पर जा रही है, इस पॉइंट पे जा रही है बी के पास, तो ये जो एरिया कवर होगा, अब मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं यहां पर, दिस पॉइंट इज ए, ये मान लो जैन से फेब का महीना है, सपोज एक महीना 30 डेज का पकड़ो, ठीक है स्टैंडर्डाइज के लिए, तो जैन से फेब में इसने कुछ एरिया कवर किया। उसके बाद में मान लो ये लेते हैं अप्रैल टू मई, सपोज इस एक महीने में इसने कुछ एरिया कवर किया, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम सॉरी यहां पर मार्च आएगा, ओके, और यहां पर अप्रैल, तो मई जून जुलाई, ये ले लेते हैं अगस्त टू सितंबर, इस टाइम पे उसने कुछ एरिया कवर किया, तो हर एक महीने के ड्यूरेशन में, मतलब 30 डेज के ड्यूरेशन में ये सेम एरिया कवर करेगा, यही आपको सेकंड लॉ बताता है। अब देखो सेकंड लॉ पढ़ के मजा नहीं आता मुझे जरा भी, क्योंकि यार अर्थ को एरिया, ये प्लैनेट को ये लाइन से एरिया से क्या समझ में आने वाला है, हमें कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब अलग है। इसका एक्चुअल मतलब क्या हो देखो, समझो अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिस्टेंस, देखो ध्यान से, ठीक है, मान लो एक महीने का टाइम दिया था, अब यहां पर ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उस एक महीने में, यहां पर ये कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उसी एक महीने में यहां पर वो डिस्टेंस और कम कर रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो टाइम सब जगह सेम है, सब जगह टाइम क्या है आपका सेम है, बट हर जगह डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ना प्लैनेट वो अलग है। अब यहां पर डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, यहां पर डिस्टेंस कम कर रहा है, यहां पर डिस्टेंस और कम कर रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कम करते जाएगा तो स्पीड या वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। इसका मतलब यह है जैन से फेब के महीने में प्लैनेट बहुत फास्ट भाग रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर ज्यादा है, मार्च से अप्रैल में कंपेयर टू इससे कम हो गई, अगस्त से सितंबर में और कम हो गई, ये वो समझने की कोशिश करता है। ये सेकंड लॉ आपको ये एरिया से कुछ मतलब ही नहीं यार समझाने का, ये एक्चुअल में बताता है जब प्लैनेट सन से नजदीक है तो तेज तेज भाग रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, मतलब कुछ किस तरह का रिलेशन निकलेगा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इज नॉट द रेडियस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो जब पास रहेगा मतलब डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, ज्यादा रहेगी, अब जैसे जैसे दूर जाएगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझे। अब वो कैसे पता चला, अगर ये ड्रॉ नहीं करता तो आपको आइडिया आता क्या, तो एक्चुअल द सेकंड लॉ का काम ये होता है समझाने का, जब प्लैनेट सन से नजदीक होगा तो स्पीड ज्यादा होगी घूमने वाली, और जब दूर रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो अगर सब जगह डिस्टेंस सेम कवर करता, जैसे इतना डिस्टेंस कवर किया ऐसे, अब इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, अगर यहां पर भी सेम डिस्टेंस कवर करता तो सी से यहां पर आता तो इसका एरिया बड़ा होता, ठीक है, जैसे अगर यहां पर भी सेम डिस्टेंस कवर करता तो कुछ यहां पर रहता तो इसका भी एरिया क्या रहता, इसका भी एरिया ज्यादा रहता, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये आपको समझा रहा है कि जब पास रहेगा तो जल्दी जल्दी भागेगा और जब दूर रहेगा तो स्लो स्लो भागेगा, ठीक है। इसका भी रीजन कैपलर के पास नहीं था, ऐसा क्यों होता है, जब पास रहेगा तो स्पीड में भाग रहा है, जब दूर रहेगा तो स्लो भाग रहा है, ठीक है। अच्छा ओके,
सेकेंड लॉ का एक और नाम देते हैं हम लोग, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट केपलर थर्ड लॉ पे आते हैं। अब केपलर थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सिंपल देखो क्या है, अब सन के अराउंड सारे प्लैनेट क्या कर रहे, रिवॉल्व कर रहे, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लग रहा है, द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये इसका स्क्वायर है, देखो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्क्वायर किया, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। अब देखो सन से प्लैनेट का डिस्टेंस हर टाइम पे सेम रहेगा क्या, हर टाइम पे डिस्टेंस क्या होते रहेगा, अलग होते रहेगा, इसलिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मीन डिस्टेंस। तो मीन डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट किया है, उसको क्यूब करेंगे, मीन डिस्टेंस किसका भाई, प्लैनेट से सन का, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शन का साइन है तो क्या लगता है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का नाम दिया हमने के, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का आंसर हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। थर्ड लॉ को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तुमने तीन लॉ देख लिए, फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सेनेट वन ऑफ द फोकल, आराम से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन टॉपिक है। उसके बाद में कैपिटल सेकंड लॉ गया था, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड क्या है आपका, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, देखो इससे याद होगा क्या करना है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, किसका पीरियड भाई, प्लैनेट का अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस किसका, प्लैनेट फ्रॉम द सन, ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सिंपल फिर ये इक्वेशन है। ठीक है, अब एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हम लोग, जैसे आप देखो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.496 इंटू 10 रेस टू 11 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है सन से अर्थ का। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू का नाम क्या दिया रहा है, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वन एयू, वन एयू इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब डिस्टेंस को छोटा करने का एक तरीका है, जैसे हम बोलते हैं ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1.496 इंटू 10^11 किलोमीटर, इसको लिखने के लिए ना हम 15 करोड़ किलोमीटर भी लिखते हैं, कैसे देखो। ठीक है, अब ये वन इसको डेसिमल शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 14.96 इंटू 10^10 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी ये मीटर में होगा, सॉरी ये मीटर में, सॉरी 1.496 × 10^11 मीटर। अब इसको डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे तो इसको लॉस होगा, देखो इसको प्रॉफिट तो इसको लॉस। ठीक है, ये मीटर में है, अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, 14.96 × 10^7 और 10^3, देखो 10^7 मतलब 10 के एक के आगे 7 जीरो, एक के आगे 7 जीरो मतलब करोड़ होता है, ये 10^3 का मतलब किलोमीटर, ये 14.96 15 के बहुत क्लोज है, तो याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर है, बट एग्जैक्टली होता है क्या है 1.496 × 10^11 मीटर, नॉट किलोमीटर। ओके, इसको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब ये क्यों निकाला भाई, हम लोग ही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमने निकाल दिया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, के बारे में आपको बताना चाहता हूं, के कॉन्स्टेंट बोला गया, देखो सिंपल सी बात है, जो प्लैनेट पास में रहेगा सन से क्या रहेगा, पास, उसका ऑर्बिट छोटा रहेगा तो टाइम भी उसे कम लगेगा, जो प्लैनेट दूर रहेगा उसका ऑर्बिट बड़ा रहेगा तो टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो एक क्वेश्चन ये माइंड में आएगा ना, देखो रिलेशन के बारे में बताया, टी प्रोपोर्शनल टू आर होना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब क्यों आ गया, सोचने वाली बात है, स्क्वायर और क्यूब क्यों लिखा, सिंपल सी बात यार, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बट ये स्क्वायर क्यूब लगाने की क्या जरूरत है। देखो ये जो कॉन्स्टेंट आता है ना, प्रोपोर्शन का साइन रखने क्या लगता है, कॉन्स्टेंट लगता है, तो वो कॉन्स्टेंट नहीं हो रहा था इसलिए स्क्वायर और क्यूब डालते, प्लस इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी, न्यूटन ने भी इसको करेक्ट किया, मतलब अपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको प्रूव किया था। ठीक है, चलो आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, प्लैनेट आर मतलब डिस्टेंस है प्लैनेट से सन का, जो मीन मतलब एवरेज होता है
10 इज टू 10 मतलब जो भी नंबर लिख रहा है ना उसके आगे 10 इज टू 10 मीटर लगा रहेगा। फिर टी उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कितना टाइम लगता है घूमने के लिए उसको सन के अराउंड। और टी स्क्वायर बाय आर क्यूब का आंसर 10 इज टू माइनस 34 मतलब का माइनस, देखो पावर अगर माइनस में किसी का है, जैसे मैं अगर लिख रहा हूं 15 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मतलब ये डेसिमल 1 2 3 तो ये हो जाएगा 0.015। तो 10 इज टू माइनस 34 का मतलब क्या होगा 0.1 से बहुत सारे जीरो रहेंगे तब जाके वो 2.95 आएगा, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, कैलकुलेट चाहिए तो घर पे कैलकुलेट कर लेना। अब मर्क्यूरी से जो मर्क्यूरी का जो डिस्टेंस है सन से 5.7 इंटू 10 स्क्वायर मीटर है, पर उसको सन के अराउंड घूमने के लिए 90 डेज लगते हैं। जब इसको सॉल्व किया तो इसके के का वैल्यू कितना आ गया देखो 2.95 क्लोज टू 3। सेम वीनस की बात करें इसका डिस्टेंस अर्थ सॉरी सन से है 10.8, उसको सन के अराउंड घूमने के लिए लगता है 224 डेज, उसका देखो आंसर कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है। नेक्स्ट अर्थ का भी बताया मैंने 15 करोड़ किलोमीटर है तो 15 इंटू 10 टू 10 मीटर लिख दो, कितना टाइम लगता है हमें 1 ईयर लगता है। मार्स का 22.8 इंटू 10 टू 10 मीटर है उसे कितना टाइम लगता है 1.88 ईयर लगता है। जुपिटर सबसे जो बड़ा प्लैनेट है हमारा उसका डिस्टेंस कितना 77.8 इंटू 10 टू 10 मीटर है उसे कितने टाइम लगते हैं 11.9 ईयर लगते हैं, मतलब अर्थ के 12 साल उसके 1 साल के बराबर है। समझो ये सब समझो जरा इसका मतलब क्या है। जैसे ये 90 डेज का मतलब क्या होता है, अर्थ पे 3 महीने होंगे तो मर्क्यूरी पे 1 साल हो गए रहेंगे, 224 डेज मतलब अप्रोक्सीमेटली अर्थ के 720 मतलब 7 महीने 7.5 महीने। तो अर्थ पे अगर 7.5 महीने हो रहे 7.5 नहीं 210 हाँ 7.5 महीने हो रहे तो वीनस पे 1 साल हो गया अर्थ की तो बात चलो, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1.8 ईयर, यहाँ पर 12 साल समझो, मतलब वहां पर 12 साल हो जाएगा, 12 साल बाद आपका बर्थडे आएगा। नेक्स्ट सैटर्न का 143 डिस्टेंस है 10 टू 10 29.5 ईयर्स, यूरेनस 84 ईयर्स, नेपच्यून 165 ईयर्स, प्लूटो 248 ईयर्स। अब लोगों ने प्लूटो क्यों लिख दिया, सर प्लूटो है नहीं ड्वार्फ प्लैनेट है, देखो प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी से हटा है। ठीक है क्यों हटा है, बिकॉज जब सिस्टम बनाया गया प्लैनेटरी सिस्टम को बोला कि कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट को कोइंसाइड नहीं करेगा क्रॉस नहीं करेगा, तो होता क्या प्लूटो नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करता है कट करता है इसलिए उसको प्लैनेट के सिस्टम से निकाल दिया, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ने वाला है बात की बात है। ठीक है यहां तक, तो इसके अंदर आपको क्या बताना चाहिए, तो के का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है सेम आ रहा है, जो चीज इस टाइम में पॉसिबल नहीं थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, यहां पर वीनस की बात करते वीनस मतलब उनका एक साल का होगा जब यहां पर 224 डेज होगा, बट वीनस रोटेशन देखो अभी अर्थ का एग्जाम्पल लेते अर्थ रिवॉल्व करने के लिए 365 डेज लेता है मतलब 1 ईयर और रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लेता है मतलब 1 डे। और जो वीनस है ना आपका उसका जो साल दिन है डे है उसका जो वो ईयर से बड़ा है, देखो वो अर्थ के सन के अराउंड घूमने के लिए 224 डेज ले रहा है और अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए 245 डेज ले रहा है, समझ में आया। उसका एक साल उसके एक दिन से उसका जो एक दिन है दो दिन है उसका साल से ज्यादा है। ठीक है ये समझा। अब देखो कैपलर ने ये लॉ कैसे बनाए थे, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन था ऑब्जर्वेशन था प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में, देखो ये बहुत पहले से चले आ रहा है, कैपलर ने रातों रात ये लॉ नहीं बना दी। ठीक है जो बहुत से पहले के एस्ट्रोनॉमर्स थे उनने सब डेटा लिखा हुआ था, ठीक है वो सारे डेटा उसने कलेक्ट किया और इंटरप्रेट कर दिए 3 लॉ देकर गया। बट ये क्यों होता है, प्लैनेट का ऑर्बिट जो है वो एलिप्स क्यों है, ये भाई क्यों होता है यार, स्पीड साउंड मतलब पास रहेगा तो स्पीड जाएगा दूर रहेगा तो ऐसा क्यों होता है, किसी का रीजन कैपलर के पास नहीं था। अब इसी का रीजन कौन देता है, न्यूटन देता है, इसलिए छोटा मोटा साइंटिस्ट नहीं है न्यूटन को। ठीक है आप इतना नाम जो सुनते हो बिकॉज उसके काम इतने बड़े थे। ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बैठेंगे, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपके पूरे चैप्टर का मेन पार्ट। ठीक है अब देखो पहले बात समझो, ग्रेविटेशन जो फिनोमेना है ग्रेविटेशन फोर्स जो यहां पर लग रहा है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे आप मैग्नेट के बारे में आपने देखा, मैग्नेट आपने देखा रहेगा आपने यूज किया होगा, तो मैग्नेट में क्या होता है आप एक मैग्नेट को किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हो, कौन सा ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट से चिपकता हो जैसे आपका आयरन हो गया, तो जो आपको लेके आए आपको लग रहा है खींच रहा है कोई। अब सिंपल है ना, कोई चीज पे अगर कोई चीज मोशन करने वाली है
तो क्या करना पड़ेगा उसको, क्या करना पड़ेगा उसको, फोर्स लगाना पड़ेगा ना, उसको टच करना पड़ेगा। बट मैग्नेट के केस में ऐसा हो रहा है क्या? आपने मैग्नेट लिया, आपका जो ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको पास ले गया तो खींच रहा है, जैसे इसको टच किया गया, हाथ निकाला गया, कहीं से नहीं निकाला। बट कैसे हो रहा है फिर ये? ठीक है, सिमिलरली जैसे आपने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, लाइक चार्ज क्या करते एक दूसरे को रिपेल, अनलाइक क्या करते अट्रैक्ट, तो प्लस माइनस अगर चार्ज यहाँ पर रखेंगे दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा रहेगा कि नॉर्थ यहाँ पर है, बार मैग्नेट अगर लेते हैं हम लोग, तो अगर अनलाइक पोल दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर लाइक हो जाए तो रिपेल करेंगे। ये अट्रैक्ट रिपेल का मतलब क्या, खींचना, अट्रैक्ट करना मतलब खींचना, रिपेल धक्का देना। बट जब तक आप टच नहीं करोगे तब तक ये फोर्स कहां से आएगा, कहां से पैदा होगा? इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट दिया गया फील्ड का। क्या कंसेप्ट दिया गया? एक फील्ड। फील्ड मतलब क्या? वो जगह जहां पर किसी चीज का प्रभाव या इन्फ्लुएंस फील हो। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको अच्छे से देता हूं मैं। जैसे अगर ग्रेविटेशन की बात करें, ठीक है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो कब लगेगा? जब किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के पास कोई मास है, तो उसके अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी आएगा तो उसे क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स। कैसा वाला फोर्स? अट्रैक्शन वाला, ग्रेविटी वाला फोर्स अट्रैक्ट करता है। जैसे अभी मैग्नेट का एग्जांपल हमने लिया था ना, ये मैग्नेट है आपका, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, एक इनविजिबल फील्ड है, इनविजिबल जो दिखती नहीं है पर फील होती है। अगर इसके पास में कोई ऐसा मटेरियल आ जाए जो उसे चिपकता हो, आयरन आ जाए, उसके अगर जैसे ही उसके एरिया में आ जाए, किसमें आ जाए उसके, उसको क्या होगा? उसका इन्फ्लुएंस फील होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बहुत अच्छा है मेरे पास इसके पास, जैसे इसके लिए, जैसे मान लो कुछ आपने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, कुछ मस्ती ज्यादा कर दी है, तो मम्मी ने बोल दिया पापा को आने दे, आज तेरी बैंड बज रही। पापा रात को आपके जॉब से आते, मान लो 10 बजे आते, ऐसा आते, तो उस दिन आपका पहला प्लान ये रहता है कि मैं सारा काम खत्म करके खाना खाकर 10-10:30 तक सो जाऊंगा। ठीक है, आपको नींद तो नहीं आती, बट आप क्या करते हो? सोने का बहाना करते हो। अब होता क्या उस टाइम पे पता है, उसे नींद भी नहीं आती, ये भी प्रॉब्लम है। अब उस टाइम पे होता क्या, जैसे जैसे पापा घर के नजदीक आते हैं ना, एक हवा में भारीपन फील होने लगती। वो क्या है? उनकी फील्ड है, उनके खौफ का एक फील्ड है। समझ में आ रहा है फील्ड का मतलब क्या होता है? और जैसे वो घर पे एंटर करेंगे, आपकी धीरे धीरे हार्ट बीट क्या होने लगी, बढ़ने लगी, मतलब तो मैं गया। समझे फील्ड का मतलब क्या है? उसी तरह यहां पर भी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कब फील होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट में मास होगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था, जो चार्जेस में होता है। तो अगर किसी के पास चार्ज है तो उसके आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक इनविजिबल चीज बनेगी, इनविजिबल फील्ड बनेगी। इसके फील्ड में जो भी आएगा उसको क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स। जैसे एप्पल अर्थ की तरफ गिरा, मून अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। सन 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 के अराउंड सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज सन के पास मास है, उसकी क्या एक फील्ड है, इनविजिबल। ठीक है, और जो भी इस फील्ड के पास में आएगा उसे इसका इन्फ्लुएंस, उसे इसका फीलिंग फील होगा। जैसे आपके घर पे होता है, पापा एंटर करेंगे तो डर का माहौल बन जाता है, वही चीज समझो फील्ड है आपकी। ठीक है, अब न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, विद अ फोर्स, विद अ डेफिनेट फोर्स, एक फिक्स्ड फोर्स है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब वो जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो दोनों दोनों दो मास के बीच में फोर्स लग रहा है ना, उनके मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। यही है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कॉन्स्टेंट लगता है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? जी। जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इस जी की वैल्यू होती है, इस जी की वैल्यू किसने ढूंढी थी? हेनरी कैवेंडिश फाउंड द वैल्यू ऑफ जी, एक्सपेरिमेंटली ढूंढा था इन्होंने। ठीक है, ये जी की वैल्यू एसआई यूनिट में अगर देखा जाए तो होता है 6.673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेरस अगर इसको सीजीएस में देखा जाए तो ये बदल जाता है 6.673 × 10⁻¹⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, थोड़ा कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब यहां पर देखो,
कभी कभी क्या होता है पता है, इस चैप्टर के अंदर दो जी, एक बड़ो जी और एक छोटो जी। बड़ो जी का मतलब होता है ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, छोटो जी का मतलब होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज हो नहीं, कैपिटल जी इज ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट तो फिक्स होगा, स्मॉल जी विद ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। अब कभी क्या करें, मान लो इसका यूनिट आप भूल गए हो, आपको नंबर याद है यूनिट याद नहीं आ रहा, भूल जाते बच्चे भूल जाते, तो यूनिट निकालने का तरीका सिंपल है, फॉर्मूला लिखा जी को अलग करो, तो एफ डी स्क्वायर एम वन इंटू एम टू इक्वल टू जी। अब देखो जी का यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, मास का केजी और ये केजी, तो यूनिट क्या बन गया इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा कभी कभी ना यूनिट को ऐसे भी लिखा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर माइनस टू। जब ये पावर को हम ऊपर भेजते हैं ना, कुछ इस तरह दिखेगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जब इस पावर को ऊपर भेजते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर? अब अगर ये भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अरे 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था, तो डाइम में कैसे चला गया, तो कुछ कन्वर्जन फैक्टर याद करने पड़ेंगे। 1 न्यूटन होता है 10^5 डाइम, 1 मीटर होता है 10^2 सेंटीमीटर और 1 केजी होता है 10^3 ग्राम। जब इसको आप पुटअप करोगे ना यहाँ पर तो सॉल्व हो जाएगा। इसे देखो 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन का, न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे, 10^5 डाइम। मीटर की जगह क्या लिखेंगे, देखो मीटर स्क्वायर है, हम 1 मीटर की बात कर रहे हैं, इधर आएगा 10^-2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर स्लैश केजी, केजी स्क्वायर है, हम 1 केजी को बोले 10^3, सॉरी यहां पर प्लस 2 आएगा, 10^3 ग्राम का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दे, देखो ये तो सेम रहेगा 6.673 हर टाइम पे, 10^-11 10^5 ये हो जाएगा 10^4 ठीक है स्लैश, अच्छा एक मिनट, स्लैश मतलब इसको इस तरह डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा 10^6 ऊपर रहेगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे रहेगा ग्राम स्क्वायर। अब सबके पावर को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 5 + 4 कितना होता है 9, तो 10^-11 प्लस 9 और ये प्लस 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -6। इंडाइसेस अगर आपने पढ़ा होगा, अगर a^m है तो क्या लिखते हैं हम लोग, a^m+m, और वही अगर a^m/a^n है तो क्या होता है a^m-m, वही यहां पर हो रहा है। अब इसको सॉल्व करो और यहां पर मिलेगा आपको डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अब देखो -11 + 9 कितना हो जाएगा, -11 + 9 -6 -11 + 9 हो जाएगा -2, माइनस माइनस और साइन ऑफ द बिगर नंबर, माइनस माइनस प्लस, -2 और -6 कितना हो जाएगा -8, वही तो पावर आया है ना। सो फाइनल पावर कितना मिलेगा 6.673 × 10^-8। मतलब सिर्फ आपको बता दे कि इस तरह होता है, एग्जाम में आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें ध्यान से देखो, इस पे ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 1 या 2 मार्क्स का, रिलेशन के ऊपर कि मास अगर बढ़ा तो फोर्स कितना बढ़ेगा, मास कम हुआ तो फोर्स कितना कम होगा, डिस्टेंस चेंज हुआ तो फोर्स कितना चेंज होगा, तो उस पर तो कुछ दो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग एंड दैट्स इट ठीक है। ओके वो स्टार्ट करने से पहले ना ये फॉर्मूले को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम लोग। देखो सपोज दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास 1 केजी है ठीक है, दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पर है। इस फॉर्मूले में अगर पुटअप करूं एफ इज इक्वल टू जी, 1 × 1 और नीचे आएगा 1 का स्क्वायर, तो एफ किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल हो गया। मतलब जो फोर्स है आपका वो किसके इक्वल हो रहा है, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट के वैल्यू के इक्वल हो रहा है। कब होगा, जब दो ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी होगा और दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, 1 मीटर। हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं हम लोग, द फोर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी इफ बोथ द मासेस
is of 1 kg and they are 1 meter distance apart. कब होगा ये F G के इक्वल? जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg होगा और दोनों एक दूसरे से कितना दूर रहेंगे? 1 मीटर दूर रहेंगे. तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन. इसका यूनिट मत लिख देना भाई उधर जी का, जल्दी. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. सारा यूनिट कैंसल हो जाएगा. कुछ इस तरह देखो, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू जी का. ये 1 केजी था ना, केजी 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 स्क्वायर होगा और ये मीटर स्क्वायर होगा. तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? न्यूटन बचेगा इधर. क्लियर है? अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दो आपको. यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी लिखी है? 6.673 into 10 to minus 11. क्या लिखा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट. जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, किधर भी चले जाओ. अगर ये माइनस 11 जो वैल्यू दिया है ना, तो 10^-11, अगर ये 10^-10 है, तो 10^-12 होता तो क्या होता? समझो जरा, देखो माइनस में नंबर छोटा हो रहा है, ठीक है. माइनस 11 से माइनस 10 हुआ तो मतलब बड़ा हो गया, और माइनस 11 से माइनस 12 तो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है. समझो ध्यान से. तो यहां पर देखो, माइनस 11 से माइनस 10 हुआ मतलब ये 10 टाइम्स बढ़ेगा. कितने टाइम्स बढ़ेगा? 10 टाइम्स. और ये क्या होगा? 10 टाइम्स छोटा होगा. तो अगर माइनस 11 की जगह माइनस 10 होता, तो आज जो फोर्स होता ना दोजी के बीच में, वो 10 टाइम्स ज्यादा होता. मतलब अर्थ आपको और 10 गुना ज्यादा फोर्स से खींचता, जितना अभी खींच रहा है. सिमिलरली अगर ये 10 टाइम्स कम होता, माइनस 12 होता, तो आप इजिली जंप कर पाते एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे. मतलब अर्थ का फोर्स 10 गुना कम हो जाता, ठीक है. ओके, अब देखो एग्जाम में ना इसके ऊपर एक छोटा सा सम्स आता है, बहुत सिंपल सा रहता है, बस उसी को समझाना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस करेंगे और ज्यादा कुछ. अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या पड़ा? जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये अपने लॉ के हिसाब से सिंपल. देखो टाइप वन और टाइप टू दो टाइप करेंगे, एक में मास को चेंज करेंगे और एक में डिस्टेंस को. अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर मास कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा? कम होगा. अब इसमें मैंने दो पार्ट कर दिया है, एक में मास बढ़ाएंगे एक में मास कम करेंगे. इन दोनों में क्या करेंगे? सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाएंगे, यानी एक ही ऑब्जेक्ट का मास कम करेंगे. इस पार्ट में दोनों ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाएंगे और दोनों ऑब्जेक्ट का मास कम करेंगे, और यहां पर डिस्टेंस के लिए हमने छोड़ दिया. देखो ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एकदम सॉल्व करने की जरूरत नहीं. तो सॉल्व कैसे होता है वो समझा रहा हूं. अब देखो यहां पर क्या लिखा है? मैं M1 डैश लिखा है, क्योंकि M1 तो मैं नाम दे चुका हूं, इसलिए डैश हम लोग यूज करते हैं. तो जो नया वाला मास है वो पुराने वाले का डबल है, बट M2 वाला मास चेंज नहीं हुआ है. तो देखो मास चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, तो उस नए वाले फोर्स को हम लोग नाम दे देंगे F डैश. तो फॉर्मूला होगा G M1 डैश M2 डैश डिवाइडेड बाय D स्क्वायर. देखो ना M1 M2 था, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे? M1 M2 डैश से. अब क्या करोगे? देखो G लिखा, M1 डैश की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 2M1. और M2 डैश की जगह क्या लिखेंगे हम? तो M2 लिखेंगे अपॉन D स्क्वायर. तो बाहर ले लेते तो क्या मिला? जी M1 M2 अपॉन D स्क्वायर. अब देखो 2 वैसे ही रखेंगे, इसकी जगह पर आप F लिखोगे, इसकी वैल्यू वही है. तो F डैश कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ F. जब एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हुआ, एक ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, तो फोर्स भी कितना हो गया? डबल हो गया. तो इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड, देन द फोर्स इज ऑल्सो गेट्स डबल्ड. इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स ट्रिपल्ड, देन फोर्स ऑफ फोर्स इज ऑल्सो गेट्स ट्रिपल्ड. इसे यहां पर मैंने बनाया, इफ मास ऑफ, अभी कुछ से करोगे आप, इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 5 times, मतलब M1 डैश हो गया 5 times ऑफ M1, M2 डैश वैसे रहेगा, तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा? सोचो और आंसर लिखो. फोर्स, अब देखो मास बढ़ रहा है तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा. तो फोर्स इज इंक्रीज बाय डैश टाइम्स, कितने टाइम्स बढ़ेगा वो आप लिखोगे. सॉल्व भी करके आप देख सकते हो अपने लिए. नेक्स्ट में क्या किया मैंने? मास को देखो कम कर दिया है, M2 डैश इज M2 बाय 3, डिवाइड बाय 3 मतलब नंबर छोटा होगा, और 2 से मल्टीप्लाई तो नंबर बड़ा होगा, तो डिक्रीज मतलब डिवाइड करेंगे. अब फिर से वही स्टोरी ऊपर वाली, F डैश इज जी M1 डैश M2 डैश डिवाइडेड बाय D स्क्वायर. जी लिखा, M1 डैश की जगह M1 लिखोगे, M2 डैश की जगह क्या लिखोगे? M2 बाय 3, ठीक है. और D स्क्वायर कुछ इस तरह दिखेगा.
अब होगा क्या, देखो डी स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा यहां पर जी एम वन एम टू अपॉन थ्री डी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा देखो इस तरह काम होता है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन, तो इसको ऐसा देखो ध्यान से, इसको ऐसा रखो ऐसा पलटी मारो, दिख रहा है ये देखो, इधर भी दो फ्रैक्शन इधर भी दो फ्रैक्शन है, मैंने वन लिख दिया कुछ नहीं, तो इसको उठाओ ऐसा पलटी मारो, तो देखो डी स्क्वायर किसके पास गया, थ्री के पास। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे वन बाय थ्री जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। अब देखो इसके जगह क्या लिख सकते हो एफ, तो एफ डैश क्या हो जाएगा वन बाय थ्री टाइम्स ऑफ एफ, मतलब फोर्स क्या हो गया थ्री टाइम्स कम हो गया, ऑब्वियसली मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, तो जितने टाइम मास कम होगा इतने टाइम्स भी क्या होगा फोर्स कम होगा, जितने टाइम्स मास बढ़ेगा इतने टाइम भी क्या होगा फोर्स बढ़ेगा, कब जब किसी एक ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है तब। ठीक है, जैसे इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स वन थर्ड, फोर्स क्या होगा वो भी वन थर्ड हो जाएगा, इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ना किसी एक का इज हाफ बिकम्स हाफ, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। यहां पर मिलेगा इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज बाय सिक्स टाइम्स देन फोर्स इज क्या होगा, मास कम हो रहा है तो फोर्स भी क्या होगा कम होगा, पहले देखो आराम आराम से जाओ भाई नहीं करना, मास कम हो रहा है तो फोर्स भी क्या होगा कम, तो पहले लिखोगे फोर्स इज डिक्रीजेस बाय कितने टाइम्स कम हो रहा है सिक्स टाइम्स, ये भी कितने टाइम्स कम होगा सिक्स टाइम्स, बता दिया मैंने आंसर। अब ऐसे कोई एक और क्वेश्चन बना सकते हो खुद से। अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं थर्ड वाले में, दोनों का मास चेंज कर दिया, m1 डैश इज 2m1 m2 डैश इज 3m2, मतलब इसका मास डबल हो गया इसका मास ट्रिपल्ड हो गया। अब देखते हैं फोर्स पे क्या फर्क पड़ते हैं, f डैश इज इक्वल टू g m1 डैश m2 डैश डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। g लिखा, m1 डैश की जगह क्या लिखूंगा मैं 2m1 और इसकी जगह लिखूंगा मैं 3m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, 3 टू जा 6 और ये बाकी सबको बाजू में रख दू, इसकी जगह क्या लिखेंगे f लिखेंगे, तो f डैश क्या हो गया 6f, कोई शॉर्टकट दिखा 2 3 जा 6, मतलब जब दोनों अगर चेंज हो रहा है बस मल्टीप्लाई करना है, ये डबल हुआ ये ट्रिपल हुआ तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 हुआ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, m1 डैश अगर 4 टाइम्स बढ़ता m2 डैश अगर 9 टाइम्स बढ़ता तो 4 9 जा 36, तो मास 36 टाइम्स बढ़ा तो फोर्स भी कितना बढ़ेगा 36 टाइम्स, जैसे यहां पर मैंने लिखा देखो इफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड देन फोर्स इज, देखो मास बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा, तो लिखोगे एफ फोर्स इज इंक्रीज बाय डबल, मतलब ये भी 2 से बढ़ेगा ये भी 2 से बढ़ेगा, 2 2 जा 4, तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगा 4 टाइम्स, क्लियर है, फिलअप करोगे आप। नेक्स्ट आ जाओ अभी यहां पर एम वन डैश, देखो इसका मास 3 टाइम्स कम हुआ इसका मास 4 टाइम्स कम हुआ। ठीक है, अब आपको शॉर्टकट तो समझ में आएगा गया होगा अब तक, इसका मतलब क्या है थ्री टाइम्स कम हुआ फोर टाइम्स, फोर टाइम कम हुआ, तो एफ डैश यही फॉर्मूला लगेगा, मैं डायरेक्ट ही पुटअप करता हूँ जी, एक मिनट एम वन डैश एम टू डैश डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, जी लिखा। ठीक है, देखो ये डी स्क्वायर को ना इसके साथ दिखते, ये जो फ्रैक्शन का प्रॉब्लम इधर आया था ना वैसा नहीं आएगा, इसको शिफ्ट कर दिया। अब एम वन डैश की जगह क्या लिखोगे एम वन बाय थ्री, एम टू डैश की जगह क्या लिखोगे एम टू बाय फोर, देखो थ्री फोर का कितना हो गया टू, उसको बाहर निकाल दिया बचेगा जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, इसके जगह लिखेंगे एफ, ये पूरा एफ हो जाएगा एफ बाय टू एल, तो फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया आपका 12 टाइम्स कम हो गया, बस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, समझा, ये 3 टाइम्स कम हुआ था ये 4 टाइम्स कम हुआ था, 3 4 12, तो फोर्स कितना टाइम्स कम होगा 12 टाइम्स, जैसे यहां पर इफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट गेट्स 1 3rd दे डिक्रीज बाय 3 टाइम्स, तो फोर्स क्या होगा 3 3 जा 9, तो फोर्स कितने टाइम्स कम होगा 9 टाइम्स। अब आते हैं लास्ट हम डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, इतने डिफिकल्ट नंबर नहीं देते वो लोग, बहुत सिंपल देते हैं, छोटे नंबर में खत्म कर देते हैं, डिस्टेंस पे आते देखो, डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिस्टेंस। अभी अगर आप अगर कोई टीचर ये क्लासरूम में बैठा खड़ा है बात कर रहा है तो लास्ट बेंच तक उसका डर जाएगा, फोर्स एक तरह का डर है समझो, लास्ट वाले बेंच मस्त से मस्ती करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बेंच वाला एकदम कांपता रहेगा कब सर बजा दे, तो जो डिस्टेंस का फोर्स के साथ रिलेशन देखो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर देखो डिस्टेंस बढ़ाएंगे डिस्टेंस कम करेंगे, अब डिस्टेंस कितना हो गया डबल हो गया, कितना हो गया डबल, तो देखो फोर्स के साथ क्या होगा एफ डैश इज इक्वल टू जी एम वन एम टू, इधर मैं डैश का यूज नहीं कर रहा सर 1 2 यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा फॉर्मूला डी टू स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला है ना एफ इज इक्वल टू जी
2D लिखते चलो, D1 इज 2D, ये थोड़ा ज्यादा बेटर है, ठीक है। F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन D1 की जगह क्या लिखोगे, 2D का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा जी M1 M2 2 का स्क्वायर 4 D का स्क्वायर D स्क्वायर। देखो ये जो इसके जगह क्या लिखते हैं हम, F लिखते हैं ना, F बाय 4, तो फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया, 4 टाइम्स। तो आपको जो भी डिस्टेंस दे रहेगा उसको स्क्वायर करना है, क्या करना है, तो ढाई मत करना है इस टाइम पे, आराम आराम से कर। देखो डिस्टेंस डबल हुआ, मतलब डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, फिक्स हो गया। अब फोर्स कितने टाइम्स कम होगा, डिस्टेंस डबल हुआ तो स्क्वायर करेंगे तो कितने टाइम्स कम होगा, 4 टाइम्स हुआ ना। यहां पर देखो इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स, 5 गुना बढ़ा, तो फोर्स क्या होगा, देखो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम, तो लिखोगे फोर्स इज डिक्रीज बाय, क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 टाइम्स, फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 25 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब इधर डिस्टेंस मैंने 1/3 कर दिया, डिस्टेंस कितना कर दिया, 1/3 कर दिया यहां पर। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं, इसको D1 नाम देंगे, इसको D नाम देंगे, ठीक है। F डैश इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन D1 स्क्वायर, तो जी M1 M2 अपॉन D1 की जगह क्या लिखेंगे हम, D/3 का होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा जी M1 M2 अपॉन D2/9, ठीक है। इसको उल्टा करो, ऐसा पलटी करो इसको, तो 9 ऊपर चले जाएगा जी M1 M2 अपॉन D2, इसकी जगह एफ लिखते तो फोर्स कितना हो गया, 9 टाइम्स बढ़ गया। तो देखो डिस्टेंस कम होगा, फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रहता है ना फॉर्मूले, बस वही कंसेप्ट समझना और कुछ नहीं। तो अब यहां पर डिस्टेंस 3 टाइम्स कम हुआ था तो फोर्स बढ़ेगा कितने टाइम्स, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, तो मिक्स मत करो, पहले डिसाइड करो बढ़ेगा या कम होगा, फिर देखो कितना बढ़ेगा कितना कम होगा। जैसे यहां पर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिक्रीज बाय 7 टाइम्स, डिस्टेंस डिक्रीज हुआ फोर्स इंक्रीज होगा कितने टाइम्स, 7 का स्क्वायर 49 टाइम्स इंक्रीज होगा। इतने बड़े नंबर नहीं देते, इसका बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह रहेगा पता है, ऐसे दो मास दे देंगे आपको, बोलेंगे मास M1 है ये मास M2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, फिर इस डायग्राम को थोड़ा ऐसा कर देंगे M1 M2 बोल दिया, मास जो डिस्टेंस है ना डबल हो गया, चलो बताओ फोर्स के साथ क्या होगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, फोर्स डिक्रीज बाय कितने टाइम्स, बाय 4 टाइम्स, 2/4 विल बी 4। है तो कभी कभी क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में, इसको D/2 कर दिया, मतलब हाफ हो गया, तो डिस्टेंस अब 2 टाइम्स कम हुआ तो फोर्स कितना होगा, फोर्स बढ़ेगा कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह के 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या था, केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते, ठीक है। 3 मार्क्स के आ जाते, कभी कभी डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बना के दे देंगे वो इक्वल एरिया वाला, और पूछेंगे चलो बताइए किसका डायग्राम है, लॉ एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका इंपॉर्टेंट हो गया, फिर उसके अंदर मैंने बताया इसका फॉर्मूला, हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू ढूंढी थी, जी की वैल्यू कितनी होती है, ऐसा ऐसी चीजें दोनों याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना। और फिर ये जो हम लोगों ने देखा कि मास बढ़ेगा तो क्या होगा, और मास कम होगा तो क्या होगा, दोनों का मास चेंज हुआ तो क्या होगा, और डिस्टेंस चेंज हुआ तो क्या होगा, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रहेगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।